ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 51वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज दूसरे दिन स्वच्छ भारत अभियान एवं हमारा स्वास्थ्य विषय पर अपने अधिक्षेय उद्बोधन में गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छ समाज समृद्ध राष्ट्र का आधार है। भारत के ऋषियों एवं मुनियों के जीवन में स्वच्छता सदा से ही महत्वपूर्ण रही है। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महंत अवैधनाथ जी महाराज ने स्वच्छता और पर्यावरण को अपने जीवन का ध्येय बनाया। आज वर्तमान की केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकारें स्वच्छ भारत के मिशन से ही एक समृद्ध व सशक्त भारत के निर्माण में भागीरथ योगदान कर रही हैं। स्वच्छता एवं पर्यावरण पूज्य महाराज द्वय के संपूर्ण जीवन दर्शन में अस्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। समाज के लिए आज यह बहुत ही आवश्यक है कि भारतीय ऋषि एवं संत परंपरा में शुद्धि के मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाकर स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहयोग करें। स्वच्छ भारत मिशन से इंसेफ्लाइटिस जैसे असंभव दिखने वाले महामारी पर भी विजय प्राप्त करने में बहुत सहयोगी साबित हुआ है। इस दृष्टि से स्वच्छता का अमूल्य महत्व है। वर्तमान वैश्विक COVID-19 जैसी महामारी को भी नियंत्रित करने में भारत अपने इसी स्वच्छता और शुद्धि के गौरवशाली परंपरा के कारण सफल रहा है। नियम और बचाव से संयम और सतर्कता से इस महामारी से भारत लड़ने में सफल हो रहा है। इतने बड़े देश को बचाने में एक एक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्य वक्ता डॉक्टर जीएन सिंह पूर्व औषधि महानियंत्रक भारत सरकार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई स्वच्छता अभियान मानव समाज को नई दिशा प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दोनों जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि जीवन से स्वच्छता चली गई तो हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। विशिष्ट वक्ता स्वास्थ्य सेवाएं भारत सरकार नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर आर के श्रीवास्तव ने कहा कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी केंद्र व प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं। आम जनमानस को भी इसके प्रति जागरूक होकर काम करने की आवश्यकता है। जहां तक गोरक्षपीठ का सवाल है, गोरक्षपीठ प्रारंभ से ही स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करती आ रही है। स्वच्छता के लिए हम सभी को गोरक्षपीठ से सीखने की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जहां स्वच्छता होती है वहां देवताओं का निवास होता है। स्वच्छता एक ईश्वरीय आह्वान है। मंच पर प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन के महंत मिथिलेश नाथ जी व प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक पेज तथा यूट्यूब तथा गोरखपुर न्यूज चैनल व गोरखपुर न्यूज के यूट्यूब चैनल पर प्रसारण किया गया। आसपास का वातावरण हो या दूर वाली नदियाँ हैं,
विजयनाथ जी महाराज और महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम इस तिथि सम्मेलन स्वच्छ भारत अभियान और हमारा स्वास्थ्य विषय इस वर्चुअल संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में भारत के पूर्व औषधि महानियंत्रक और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फार्मेसी काउंसिल के सलाहकार डॉक्टर जी एन सिंह जी, पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं अनुसंधान डॉक्टर आर के श्रीवास्तव जी, दिगंबराखंड अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप राव जी, बाबा कमलनाथ जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर भगवान सिंह जी और इस वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से जुड़े हुए महाप्रताप शिक्षा परिषद और गोरख स्ट्रीट के सभी सभाजन, आप देखेंगे हम योग की जब बात करते हैं योग में सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बनाए, आदत का हिस्सा
तो 10 करोड़ के आसपास शौचालय नहीं होंगे, यानी 10 करोड़ लोगों के पास इससे पहले 50 करोड़ की आबादी के पास पहले अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 6 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ शौचालय बने थे, जिनमें से 2 करोड़ 61 लाख पिछले 3 वर्ष के दौरान बनाए। केवल एक शौचालय नहीं बनाने का अनुमान करिए, इससे पहले 2015 के पहले गांव गांव में हम जाते थे, कितनी गंदगी बदबू होती, जबकि पैदल नहीं जा सकता, यहाँ पर गंदगी देखनी होती, दुर्व्यवस्था देखनी होती, अव्यवस्था देखनी होती, बीमारियां देखनी होती, यानी गंदगी और गंदगी तक सीमित ही रहते थे, या तो बीमारियां भी इसके माध्यम से देखते। लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता भी दिखती है, गाँव में आप लोग चले जाइए, इसी समय चले जाइए, गंदगी नहीं होगी। दूसरा, इसने बीमारी को देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं, और कुछ चीजें दिखती है, जितने भी जानवर होते थे गंदगी के कारण होते थे, शुद्ध जल के कारण होते थे, इसमें क्या कमी हुई। दूसरा, इस मौखिक बीमारी का कारण भी खासतौर पर जो नया वायरस आया है 2005-06 में, इसका कारण भी कोई था, वह कारण इसका भी गंदगी, गंदगी बड़े में सौ अशुद्ध जल इसका कारण है। यानी स्वच्छ भारत मिशन ने हमारी आदत को साफ बनाया है, हमें तमाम प्रकार के कुछ से बचाया है। स्वच्छ भारत मिशन ने हमें तमाम प्रकार की जो विषाणुजनित बीमारियां वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, इनसे भी हमें बचाया। और स्वच्छ भारत मिशन ने तीसरा कार्य किया है, वह किया है कि नाली परिवार की भी रक्षा की, यानी एक साथ कितने आयामों को छोड़ा है स्वच्छ भारत मिशन। और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक का काम है, ये प्रत्येक परिवार को संज्ञान के साथ जोड़ता है, समाज को जोड़ता है। जब सभी लोग जुड़ेंगे तब लक्ष्य से सिद्धि होगी, तब हमें इसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिले। और इस दृष्टि से एक बड़ा कार्य यह हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन ने अनेक स्तर पर व्यापक सुधार की जो पहल की, उसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिले हैं, और उसी परिणाम के स्वरूप आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दिमागी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े पिछले 3 वर्ष के दौरान बहुत कम हुए हैं। और
इस COVID-19 विद कोरोना वायरस इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या कि हम लोगों को नियम और संयम का पालन करना, जीवन में अनुशासन का पालन करना, जो बनाई गई व्यवस्था है उसका पालन करना, वो बच के दूरी और मास्क जरूरी अगर हम इसका पालन कर रहे हैं। अगर कोई संक्रमित मिल गया समय के बाद हॉस्पिटल पहुंच गया या होम आइसोलेशन में भी है तो सावधानी रख रहा तो पांच कैटेगरी इसके लिए कई बीमारियों से पहले से ग्रसित हो, गर्भवती महिलाएं, कमजोर प्रतिरोध क्षमता के लोग, बच्चे, ये पांच कैटेगरी को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति लक्षण और यानी बिना किसी लक्षण के कोरोना संक्रमित होता तो वह होम आइसोलेशन में रह सकता है और सत्य उसके घर में अलग से कमरा हो अलग से पाए और वो पूरी सावधानी सतर्कता हो अन्यथा तत्काल डॉक्टर को फोन करके हम लोग डॉक्टर के पास हैं। डॉक्टर को बताएंगे पहले से प्रशासन को अवगत कराए। अगर हमें काम कर लेते हैं तो मौत के आंकड़े दुगना हो सकते हैं और भी कम हो सकते हैं। अब तक भारत का रिजल्ट बहुत अच्छा लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी है। इतनी बड़ी आबादी के देश बचाने के लिए एक एक नागरिक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और उस सावधानी और सतर्कता के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सावधानी बरती कि हमने कोरोना काल में देखना चाहे लॉकडाउन के चार चरण रहे हों और आज से हम लोग के चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे चरण में हम लोगों ने इस चीज को सुन लिया कि हर हाल में हम लोग स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को इसका हिस्सा होना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन हर एक व्यक्ति को इसका हिस्सा होना। याद रखना हमारे पूर्वज घरों को सफाई सबसे पहले उनका के कार्यक्रम का आधार बन सकता है। घर की सफाई करके पोछा लगा करके फिर आगे की दिनचर्या करनी चाहिए। यानी ये कहा जाता है जहाँ स्वच्छता होगी वहीं लक्ष्मी का निवास होगा, वहीं सरस्वती का निवास होगा, वहीं पर हर प्रकार के देवी देवताओं का निवास होगा। गंदगी में राक्षसी प्रवृत्तियां बनाम सकती हैं ऐसी स्थितियां वहां पर उत्पन्न नहीं होती और इसीलिए मंदिरों का स्वरूप भी सीमित रखा गया। साफ सुथरा वातावरण हो, उस प्रकार का वातावरण है जहाँ पे शांत हो, सुंदर हो, बेहतर वातावरण हो और उसी वातावरण को बनाए रखने के लिए भी हम लोगों के कार्यक्रम निरंतर चलाने पड़ेंगे। आज की संतुष्टि का विषय है यह भी हम लोगों को केवल एक दिन के लिए नहीं जीवन का हिस्सा बनाना। प्लास्टिक पे बैन लगा है तो हमारा संकल्प वचन है प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। सरकार की घोषणा, सरकार का संकल्प विरोध, सरकार का किसी नेता का या किसी प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री का संकल्प नहीं होगा। हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए और अगर हम इसको अपने जीवन का पाठ बना लें, जीवन का हिस्सा बना लें तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। प्लास्टिक का उपयोग न करें, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए भी खतरनाक, जिस गौ माता की पूजा करते हैं उसके लिए भी खतरनाक और साथ साथ जहां कहीं भी प्लास्टिक जाएगा और करके कहीं ना कहीं गंदगी फैलाएगा, व्यवस्था फैलाएगा, व्यापक व्यवस्था उसके माध्यम से फैलाएगा। गंदगी घर की गंदगी को सड़कों में ना फेंके, अक्सर होता हम लोग घर की गंदगी को सड़क पर फेंकते और सड़क पर फेंक करके फिर अपनी किसी कर देते बाद में ब्लेम करते हैं कि नगर निगम ने सफाई नहीं की, नगर पालिका ने सफाई नहीं की, लोग सफाई करने के लिए हमने क्या हमारी जितना नहीं करते सफाई के साथ। अगर ड्रेनेज सिस्टम को हम चौक न करें तो कहीं भी जल जमाव नहीं हो सकता, लेकिन लोगों ने किसी की अपनी नकल करने लगा हुआ है, किसी ने
अपने स्वयं तक सीमित होने की जो आदत हो रही है, इसने सामुदायिक भाव को पूरी तरह समाप्त किया और इसने तमाम प्रकार की समस्याएं भी दी। मैं आज के दिन पर जब हम लोग स्पीड के आचार्य थे, इन महापुरुषों ने जो जीवन का स्वर है गोरखस्पीड और गोरखपीड से जुड़ी हुई संस्थाएं स्वच्छता के मानक इस देश से लोग लगातार प्रयास करते हैं। आज का जो भी आज का आज की भी स्थिति गोरखस्पीड की है, जो सुख आता है वहाँ का है, इस प्रकार की स्वच्छता वहाँ पे देखने को मिलती है। ये पहले से ही इन महापुरुषों के समय से ही इस प्रकार की व्यवस्था आप देखते रहोगे। इसी में हैजा पहले भी रहता था,
लेकिन धीरे धीरे करके आज बीमारियां समाप्ति की ओर हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे तो समाज का स्वास्थ्य होगा, पूरा राष्ट्र का स्वास्थ्य होगा। अगर राष्ट्र स्वस्थ है तो राष्ट्र समृद्धि का मार्ग भी बनता है, नहीं कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन स्वच्छता अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम लोग एक राष्ट्रीय अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और यही संकल्प हमारी किसी जीवन का है, यही संकल्प गोरक्षपीठ के आचार्य का, पूज्य पंडित महंत, पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज का, पंडित महंत पूज्य विद्यनाथ जी महाराज का यही संकल्प रहा है। और आज की इस गोष्ठी इसी भाव के साथ यहाँ पर आयोजित की गई, मैं आयोजकों को सर्वजन के लिए ऐसे धन्यवाद देता हूँ। हमारे जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में आज अंगीकार किए डॉक्टर जी सिंह जी, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी, मैं इनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वे इस अभियान का हिस्सा बने बने भी रहे हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया और आज इस गोष्ठी के साथ जुड़कर के उन्होंने जो लाखों की संख्या में परस्पीर सिंह जिले से भाजपा में प्रचल संवाद संगोष्ठी के माध्यम से जुड़कर के प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहभागी तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं उन सब मैं ऐसे धन्यवाद देता हूँ। नम्र बड़ा के मोहन जी हैं, सुरेश दास जी महाराज, कई पर्वत के मोहन जी महामंत्र हैं, सुरेश दास जी महाराज, गोरखनाथ मंदिर के पुजारी हैं बाबा हनुमान जी, खाना प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं कुलपति प्रोफेसर योगी सिंह जी, वहाँ पर जुड़े हुए खाना प्रताप शिक्षा परिषद के मेरे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, विभिन्न संस्थाओं के आचार्य प्राचार्य हैं, अन्य जितने भी महानुभाव हैं वो भी इस संगोष्ठी से जुड़ रहे हैं। जो विश्वास है कि आप लोग इन महापुरुषों के इन जीवन पवित्र जीवन चरित्र से अवश्य प्रेरणा प्राप्त करेंगे।